थानारे मेजर ओ बांधवींको माड़ घटा चंदका थानारे क्राइमब्रांच टीम क्राइमब्रांचर जने महिला डीएसपी को नेतृत्व रे करुछंती छानबीन शनिवार रातिरे मेजर ओ तांको बांधवींको कमेंट मारतवा सात जनको अटक रखिला क्राइमब्रांच चंदका थानारे अटक युवक को पचराउचरा जारी शनिवार रातिरे गाड़ी रे फेरथवा बेले युवक माने कमेंट मारतवा ने थाना को आस्तेले मेजर गुरवंश सिंह एवं तांकर बांधवी संपर्क रे अधिक सूचना पाई रही छंती हम प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन रही छंती स्निग्ध वर्तमान रो अपडेट कोन कारण देखंतु ये घटना जो भावे मोड़ नेलानी एवं एथरे खाली क्राइम ब्रांच नो महिला कमिशन अध्यक्ष मते कहलानी पूर्व मते जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष कमिशन निजे निज तरफ रु एक कथा रे मध्य माने मत रखीथिले कि जानिबा पई चाहितले जो घटना घटीथिला एबे देखंतु पुणी सामना को जो आसी छि वीडियो जो सामना को आसी छि आ परे पुलिस जो कथा कहुतला तारो पोल खोली छि निश्चित भाव आप जानते जे भरतपुर थाना रे मेजर एवं तांको बांधवी को जो भाया निर्यातना और दुर्व्यवहार और असदाचरण घटना रे आप देखु जो मानने क्राइम ब्रांच टीम चंदका थाना रे पहुंची एवं चंदका थाना रे जने महिला डीएसपी को नेतृत्व रे गोटे टीम आसिक पचरा उचरा कर जानते जो घटना घटी कहीं जो शनिवार विलंबित राति रे 12 रु 13 जन युवक 12 रु 13 जन दुर्बृत्त जो भाव में मेजर और तांको बांधवी को आक्रमण करते गाड़ी अटक आक्रमण करते से सात जन को अटक रखी चंदका थाना क्राइम ब्रांच टीम और पचरा उचरा करूँ कारण घटना घटला क्यों कारण गंडगोल सूत्रपात नाला ये सब दिग को लेकिन क्राइम ब्रांच टीम तक पचरा उचरा करपटे आप देखु महिला कमिशन अध्यक्षा भरतपुर थाना पहुंची तदंत आरंभ कर सब प्रकार कागज पत्र कथा कहतु जो रही मेजर और बांधवी जो एफआईआर कपी छानबीन कर देखुं ता सहित आप देखि ये घटन जिते बड़े जो सस्पेंड होता जो पांच जन पुलिस अधिकारी जो सस्पेंड होती विरोध में मामला रुजु कर सारी अपराधिक मामला रुजु कर सारी क्राइम ब्रांच टीम तेरे खूब शीघ्र दिगरे क्राइम ब्रांच तार तदंतर दिग आगक बढ़ाइब तेरे जो मैंने घटना संपृक्त अच्छा आप देखते हैं गत काली जिते एम्स अंकिता प्रधान जिते प्रतिक्रिया रखी से प्रतिक्रिया जो भाव में पूरा पुलिस बर्बरतार जो कहानी थी पूरी पुलिस बर्बरतार जो घटना थी से दिग को लेकिन से प्रतिक्रिया रखी तेरे क्राइम ब्रांच टीम जिते ये दिग को लेकिन तदंत करुच्ची तेरे जिते अपराधिक मामला रुजु सारी सस्पेंड होती पांच जन पुलिस विरोध में तेज आउ जो मैंने संपृक्त अच्छा आप जानते जो भाव में अंकिता प्रधान बापा जे संगीन अभियोग आनी झी कुबा अर्थात अंकिता प्रधान और मेजर को जे ये पांच जन नुहे आहरी दुई जन आक्रमण करते दुई जन ना क्राइम ब्रांच को अभियोग जना जा क्राइम ब्रांच को तथ्य दि जा मेजर तथ्य दे तेरे से तथ्य आधार में जो दुई जन रही अन्य पुलिस अधिकारी अच्छा विरोध में केवे कार्यानुष्ठान ग्रहण कर दिग को लेकिन छानबीन आरंभ कर यार भितर आप देखु शनिवार दिन राति में जो घटना घटी और 2 मिनट 10 सेकेंड रोटे वीडियो एवं सोशल मीडिया को आसी और सोशल मीडिया वायरल होवार लगी जो वीडियो रे आप देखु अंकिता के भाव में पुलिस को कहते केमी जिते अंकिता हिंदी और इंग्लीश कथा होते से ही समय पुलिस अधिकारी मैंने नाली आखि देखते नाली आखि देखे जहां वीडियो रू ही स्पष्ट जमापड़ी और ओठ फाटी जाए तेरे से वीडियो जे अंकिता आक्रमण कर सारा परर वीडियो ना पूर्वर वीडियो से सब दिग को लेकिन एवं छानबीन आरंभ हो वीडियो को जो भाइराल होता वीडियो को क्राइम ब्रांच तदंत परिसरभुक्त करी तेरे ये घटना आप देखु जिते बड़े चंदका थाना क्राइम ब्रांच रोटे टीम जिते पहुंची जो मैंने अटक अच्छा सात जन रोड रोमी अटक अच्छा पचरा उचरा कर जो गाड़ी चढ़ुले सात जन जो गाड़ी में आसी गाड़ी नंबर कहार और से गाड़ी कहार से दिग को लेकिन छानबीन कर जो सात जन युवक अटक अच्छा से परिचय कौन तक घर क्यों ये सब दिग को लेकिन छानबीन आरंभ कर क्राइम ब्रांच पूरा गोटे दिगरे तदंत करुच्छे आप जानते जो भाव में भरतपुर थाना मेजर और बांधवी को जो भाव अकथन्य निर्यातना दिगला और पुलिस जो भाव में दुर्व्यवहार कले जे बिवादियों थाना अधिकारी पूर्वतन जी रही भरतपुर पूर्वतन थाना अधिकारी थे दिनकृष्ण मिश्र एवं सस्पेंड होती ना में मालमाल अभोग अभोग सत्वे भी क्यों भाव
ଭାବରେ ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାରର ବିଜେଡି ସରକାରର ଇଏ ଆଇଆଇସି ଗେହ୍ଲାପୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମଡେଲ ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମଡେଲ ଥାନା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଡେଲ ଥାନା ଏଇଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଡେଲ ଥାନାରେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଥାନାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଡେଲ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନଥିବାକୁ ନେଇକି ଏବେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଥାନାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ସିସିଟିଭି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା ଥାନାରେ ଏବଂ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କଣ ଆଗକୁ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି, ଘଟଣା ପଛର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ତାପରେ ନଜର ନେବା ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କେସ୍ ଗଡ଼ଫାଦର, କାରଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଶ ତମ୍ବି ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସବୁ ଦିଗରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିର ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଥାନା ଭିତରର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଗୁରୁବଂଶ ଚୁପଚାପ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବଂଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ତାଳମେଳ ରହୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।